और अब डीग जिले से बड़ी खबर, जहां डिप्थीरिया बीमारी से 8 बच्चों की मौत हुई। डिप्थीरिया बीमारी फैलने से चिकित्सा विभाग में हड़कंप मच गया। WHO की टीम ने गांव दुंदावल स्कूल में बच्चों का टीकाकरण किया। डिप्थीरिया बीमारी से 7 बच्चों सहित एक बालिका की मौत हो चुकी है। जयपुर की टीम ने डीग पहुंचकर जानकारी ली और गले में सूजन और बुखार बीमारी का लक्षण बताया जा रहा है। गांव पर मौत बनकर टूट रही है डिप्थीरिया की बीमारी। 7 बच्चों सहित एक बालिका की मौत हो चुकी है। जयपुर चिकित्सा विभाग की टीम ने डीग पहुंचकर जानकारी भी ली। डिप्थीरिया बीमारी से बच्चों की जान गई और जयपुर चिकित्सा विभाग की टीम ने डीग पहुंचकर जानकारी भी ली। गले में सूजन और बुखार डिप्थीरिया बीमारी का लक्षण बताया जा रहा है। डिप्थीरिया बीमारी ने बच्चों की जिंदगी छीनी। डीग जिले से बड़ी खबर। जयपुर से चिकित्सा विभाग की टीम भी पहुंची और गले में सूजन और बुखार लक्षण बताया जा रहा है। अधिक जानकारी के लिए सहयोगी देव फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। देव, क्या कुछ पूरी जानकारी और क्या इस पर प्रशासन की ओर से अब एक्शन लिया जा रहा है, क्योंकि बच्चों में इस तरीके की बीमारी और फैल भी सकती है? जी, बताना चाहूंगा, ये एक डिप्थीरिया बीमारी है जिससे 8 बच्चों की मौत अब तक डीग जिले में ये हो चुकी है और बड़ा गंभीर विषय है। प्रशासन लगा अब हरकत में आया है और जयपुर से यहाँ पर टीम जांच करने के लिए पहुंची है। डीग जिले के दुदावल के साथ साथ अन्य गांवों में और अस्पतालों में लगातार जाकर टीकाकरण किया जा रहा है। जो सिंगल साहब है, जो CMHO है डीग के, उन्होंने जानकारी दी है कि अब से कुछ दिन पहले भी 5 वर्ष से एक बच्ची है सहनाज दुदावल की रहने वाली, उसकी भी जयपुर के SMS अस्पताल में उपचार के दौरान इसी बीमारी के चलते मौत हो गई थी। और बीमारी के लक्षण है गले में सूजन आना, जुकाम का होना, बुखार का आना और गले का एकदम से घुटना, ये इस बीमारी के लक्षण है। हालांकि अब लगातार प्रशासन एक्शन में है और प्रशासन लगातार टीकाकरण कर रहा है और इस जो बीमारी है इसकी जानकारी क्षेत्र में लगातार पहुंच कर ले रहा है। जी चलिए, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो डिप्थीरिया बीमारी ने 8 बच्चों की जिंदगी छीनी। गले में सूजन और बुखार डिप्थीरिया बीमारी का लक्षण बताया जा रहा है। फिलहाल जयपुर से भी चिकित्सा विभाग की टीम पहुंची और WHO की टीम ने भी पहुंचकर टीकाकरण किया।